आइए अब बिचड़ा तैयार करने की विधि को समझते हैं। बिहार में भीगी विधि से बिचड़ा तैयार करने का प्रचलन है। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 जुताई करते हैं ताकि मिट्टी ढीली हो जाए। इस तरह से खरपतवारों का सफाया भी हो जाता है। अब तैयार गीली मिट्टी में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरकर अंकुरित बीज को समान रूप से बिखेर दें। बीज डालने के 2 से 3 दिनों बाद नर्सरी में खड़े पानी को खेत से बाहर निकाल दें। इस तरह नर्सरी में स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए बीज बिखेरने के पहले मिट्टी में खाद एवं उर्वरक डालना जरूरी होता है। इसमें 5 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में डालकर 2 से 3 बार जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। प्रति एकड़ क्षेत्र में 20 किलोग्राम यूरिया, 20 किलो DAP एवं 5 किलो जिंक सल्फेट बुआई के समय डालना चाहिए। अब बुआई के 2 सप्ताह बाद नर्सरी में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना चाहिए। अब बिचड़ा लगाने से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। कम अवधि में पकने वाली प्रजातियों की पौध 20 से 25 दिनों की हो जाए और उसमें 5 से 6 पत्तियां निकल गई हों, तो आप मुख्य खेत तक बिचड़े को सावधानी से ले जाकर बुआई कर सकते हैं। अगर मध्यम समय से तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई जून में करनी हो तो 30 दिनों की आयु वाले पौध का प्रयोग करना चाहिए। जुलाई में रोपाई करने के लिए 30 से 35 दिनों की नर्सरी के पौध का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे, 35 दिनों से अधिक उम्र के बिचड़े की रोपाई नहीं करनी चाहिए। एक और बात कि रोपाई करने के ठीक एक दिन पहले नर्सरी में पानी लगा दें ताकि पौधे आसानी से उखड़ जाएं।